आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। सेंट मौसम में रैन बसेरो का सजाने देर रात निकले डीएम एसएसपी। इशारा के रैन बसेरे का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम चंद्र प्रकाश व एसएसपी श्लोक कुमार। अधिकारियों ने रैन बसेरो में ठहरे लोगों से बातचीत कर जारी सुविधाओं की सच्चाई, रैन बसेरा पहली मंजिल पर होने के कारण दिव्यांगों की अलग व्यवस्था के दिए गए आदेश, जिम्मेदारों को सड़क पर सो रहे असहायों को जागरूक कर रैन बसेरे लाने के भी दिए निर्देश। डीएम ने साफ सफाई रखने, प्रमुख स्थानों पर अलाव जलाने और कोई भी व्यक्ति सर्दी के मौसम में खुले में न सोने पाए, इसके लिए नगर में भ्रमण कर खुले में सो रहे व्यक्ति को रैन बसेरे में लाने के भी निर्देश दिए। बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। सर, आज रैन बसेरे में निरीक्षण किया है, शाना के रैन बसेरे पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ निरीक्षण में पाया गया, क्या कुछ उचित व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा दी जा रही हैं? सर, अभी हम लोग, मैंने और कप्तान साहब ने रैन बसेरा से आना का निरीक्षण किया है और ऊपर दो मेल और एक फीमेल रुके हुए हैं। अभी हमने इनसे पूछा कि कोई दिव्यांग आएगा तो वो कहाँ रुकेगा, इसकी इनके द्वारा भी व्यवस्था नहीं की गई है, कलेक्टिव भी व्यवस्था कराई है। तो सर, लगातार योगी सरकार रैन बसेरों को लेकर सख्त नजर आ रही है, तो जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? आप खुद भी देख रहे होंगे कि जो भी यहाँ रुक रहे हैं उनके लिए बिस्तर, रजाई, गद्दा और पलंग आदि की व्यवस्था की गई है, शौचालय आदि साफ सुथरे हैं और उनको ठंडी से किसी प्रकार का कोई समस्या ना है, उसकी भी पूरी व्यवस्था की गई और लगातार निरीक्षण करके जो गरीब लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उनको हम लोग कंबल भी बांट रहे हैं, माननीय विधायक जी लोग भी कंबल बांट रहे हैं और सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई ठंडी के कारण किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो। किया है शाना के रैन बसेरे पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ निरीक्षण में पाया गया, क्या कुछ उचित व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा दी जा रही हैं? सर, अभी हम लोग, मैंने और कप्तान साहब ने रैन बसेरा से आना का निरीक्षण किया है और ऊपर दो मेल और एक फीमेल रुके हुए हैं। अभी हमने इनसे पूछा कि कोई दिव्यांग आएगा तो वो कहाँ रुकेगा, इसकी इनके द्वारा भी व्यवस्था नहीं की गई है, कलेक्टिव भी व्यवस्था कराई है। तो सर, लगातार योगी सरकार रैन बसेरों को लेकर सख्त नजर आ रही है, तो जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? आप खुद भी देख रहे होंगे कि जो भी यहाँ रुक रहे हैं उनके लिए बिस्तर, रजाई, गद्दा और पलंग आदि की व्यवस्था की गई है, शौचालय आदि साफ सुथरे हैं और उनको ठंडी से किसी प्रकार का कोई समस्या ना है, उसकी भी पूरी व्यवस्था की गई और लगातार निरीक्षण करके जो गरीब लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उनको लोग कंबल भी बांट रहे हैं, माननीय विधायक जी लोग भी कंबल बांट रहे हैं और सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई ठंडी के कारण किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो। फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।